पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के सतोवा के बंजारी में दलितों पर जानलेवा हमला किया गया है। एक को रांची रिम्स रेफर किया गया है, दो का इलाज MRMCH में किया जा रहा है। जख्मी लोगों में दिलीप राम 60 वर्षीय, राजू कुमार रवि 31 वर्षीय और सचिन कुमार 26 वर्षीय शामिल है, जबकि जानलेवा हमला करने वालों में अजीत प्रसाद, पंकज, अखिलेश, वीरेंद्र, नरेश साहू, कौशल किशोर आदि शामिल है। घटना बुधवार रात की है। घटना की सूचना पाटन पुलिस को दी गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें पाटन थाना प्रभारी लालजी ने शुक्रवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जख्मी सचिन कुमार ने शनिवार को बताया कि घर से आधा किलोमीटर दूर एक दुकान पर रुके थे। इस बीच लोग मौके पर पहुंचे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, मोबाइल सहित अन्य सामान को लूटने का प्रयास किया। जब विरोध किया तो तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। परिजनों ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। रामाशीष कुमार की पलामू से रिपोर्ट। क्या नाम करेगा आपका? सचिन कुमार। आपके साथ जो मारपीट हुआ, कैसे मारपीट हुआ? हम लोग ऐसे घूम के आ रहे थे, फिर एक वहाँ पे चना वगैरह सब मिलता है, वैसे आमलेट उमलेट बना रहा था। बंजारी सतुआ में ऐसे पड़ता है, वो बंजारी सतुआ का बॉर्डर है, वहाँ पे एक तरह से मानिए तो वहीं पे हम लोग खाने के वास्ते रुके हुए थे। फिर उधर से वो लोग आया, विवर्धक तरह से गाली गलौज करने लगा, जमान सियारे करके जाति वाता पे। फिर से यहाँ से भागो जैसे तैसे गाली देने लगा, बस हम लोग वहाँ से जाने लगे। इसके बाद हमको पता नहीं था, लोग पूरा प्लान में था मारने के लिए। अजीत एगो गुदानी नाम है, तीनों भाई वो लोग मतलब है, अजीत और पंकज और गुदानी, ये नाम मैं उन लोग को जानता हूँ। और फिर कल लगे पकड़ो सारे लोग, फिर मोबाइल उबाइल छीन छान कर लिया। फिर वहाँ से हम लोग जाने लगे, तब फिर पीछे से हम निकल गए वहाँ से, पीछे से एक बैग मार के हम लोग के घायल कर दिया। फिर हम लोग को कोई पता नहीं, बेहोश हो गए। कटार कोई था, पांच सात लोग थे पहले, तो 3-4 को और किया, एक बाद फिर बाद में और कर पीछे से आके मारपीट कर दिया पूरा फैमिली सब। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? यही प्रशासन से मेरा अनुरोध करूंगा कि हमको अच्छा से न्याय मिले, जो हमारे साथ इस तरह के दिन दहाड़े ये सब गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसा तो चलना नहीं चाहिए। ना हमें उन लोग से कोई दुश्मनी था, मैं खुद बाहर से 7-8 साल के बाद मैं आया हूँ। 2 तारीख के मैं यहाँ पे सतेह में उतरा हूँ गाड़ी से, इसके बाद तो मैं उधर कभी जाता हूँ ना, उन लोग के कोई बात हो चलाते हैं, फिर भी लोगों ने जाति प्रथा पे गाली गलौज करके ये सब मारपीट किया। किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। क्या नाम पड़ेगा? राजू कुमार रवि। आप लोगों के साथ मारपीट कैसे? हम लोग पहले भी वहाँ दुकान एक है सतुआ और बंजारी का सिवान है, वहाँ जा रहे थे हम लोग, 3 आदमी थे, हम थे सचिन, एक चाचा हैं वे, एक और दिलीप राम चाचा हैं, तीनों हम लोग जा रहे थे दुकान तरफ। तो यही लमसम 7:30-8 बज रहा था, रात हो गया था, तो दुकान से कुछ पीछे कुछ लोग आदमी उधर बैठा हुआ था, तो हम लोग के देखा तो उन लोग और बोलने लगा। हाँ, उन लोग सतुआ के हैं, अजीत प्रसाद है, अखिलेश प्रसाद, पंकज प्रसाद, लल्लू साहू, कौशल प्रसाद, नरेश साहू और एक हैं वीरेंद्र मिस्त्री, इन लोग थे। तो हम लोग दुकान जा रहे थे, इसी क्रम में उन लोग हम लोग से मुहाबट्टी करने लगे, गाली गलौज करने लगा। पूरा शब्द गाली गलौज, मतलब चमार सियार बोलना, बहुत हम लोग के मतलब अपमान करने लगा। हम लोग फिर इस पे कुछ बोले जाए, ऐसे कहे आप लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या किए हैं आपको। तो उन लोग फिर इसी पर आगे बढ़ते बढ़ते और हम लोग पर पूरा वार करने लगा, पूरा हथियार उथियार लेके उधर बैठा हुआ था, डंडा उंडा सब लेके हम लोग के आगे जाके छेक के पूरा और हमला हम लोग पर कर दिया। फिर वहाँ हम लोग बोलते रह गए, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या हम लोग क्या तुम लोग के किए हैं। उन लोग कुछ भी नहीं सुना, उन लोग फिर हम लोग के घेर के उन लोग मारने लगा, डंडा से कोई मार रहा है, कोई बलुआ गड़ासा सब लिया हुआ था, मारा
इसके बाद हम लोग फिर गिर गए वहीं, फिर वहां से हम लोग के फिर कुछ पता नहीं चला। ग्रामीणों के द्वारा फिर आपको इलाज कराया, वहां से फिर हम लोग के बेहोशी हालत में, फिर हम लोग का बेहोश हुआ तो हम लोग देखे जो हम लोग हॉस्पिटल में। क्या नाम रहेगा? मेरा नाम राजू कुमार रवि, ग्राम सत है। क्या नाम रहेगा? मेरा नाम बाबूलाल राम, सत है के निवासी हुए हम। अभी आपके भाई के साथ मारपीट हुआ है, क्या कुछ आपको जानकारी मिला? बुधवार को शाम 7:30-8 बजे मेरा भाई राजू कुमार रवि और उनके साथ में मेरे ही गांव के चाचा लगते हैं सचिन कुमार और दिलीप राम, उन लोग सतौआ दुकान के तरफ जा रहे थे दुकान, और इसी बीच में इन लोग को दुकान के लगभग बगल में कुछ दूरी पर इन लोग को रोक करके कुछ सतगुए के कुछ लोगों के द्वारा इन लोग को बुरी तरह से मारपीट किया गया। जब इन लोग को मारपीट किया गया तो सूचना हमको फ़ोन के द्वारा मिला, तो हम लोग वहां गए तो वहां जा कर के देख रहे हैं इन लोग को बहुत ही बेरहमी से पिटाई किया गया और पीट करके, और बगल में उन लोग खड़ा थे, भाग रहे थे। जब इन लोग को देखे कि बेहोशी भी हालत है तो इन लोग को वहाँ से उठा करके किसी तरह से हम लोग हॉस्पिटल ले गए पाटन, और जब पाटन हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ इन लोग से पूछताछ किए, इन लोग बताया कि ग्राम सतुआ के अजीत प्रसाद, अखिलेश प्रसाद, पंकज प्रसाद, लल्लू साहु, नरेश साहु, कौशल प्रसाद और वीरेंद्र मिस्त्री, इन लोग सभी लोग हथियार के साथ वहाँ पहले ही से प्लानिंग बना के थे। हथियार में भाला, गड़ासा, टांगी, डंडा सभी लोग को हाथ में था और उन लोग पहले से प्लानिंग में थे। हम लोग जैसी दुकान के पास पहुंच रहे थे, पहुंचे, हम लोग को रोक करके बोलने लगा कि तुम लोग चमार हरिजन इधर क्यों आता है, तुम लोग को इधर आने के लिए मना करते हैं, तुम लोग नहीं मानते हो, और यही कह करके गाली गलौज करने लगा, बहुत अपमानित करने लगा। हम लोग जब उन लोग को कहे कि ऐसा क्यों है, तो उन लोग है कि हम लोग के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, और जानलेवा हमला ऐसा किया कि हम लोग को बुरी तरह से मार करके कान कपार सभी को फाड़ दिया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई? हाँ, उसके बाद वहाँ पाटन से रेफर कर दिया गया डाल्टेंगे सदर, और सदर में भी एक दिलीप राम है, उनको बहुत ज़्यादा जख्मी हुए थे, माथा से में ज़्यादा उनको फट गया था, और मुंह से ब्लड, नाक से ब्लड, कान से भी ब्लड चल रहा था, उनको रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। उसके बाद 13 तारीख को इन लोग एडमिट थे वहाँ सदर में, तो हमने आकर के थाना को आवेदन दिया और उस पर कार्रवाई पाटन थाना के द्वारा तीन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आगे हम लोगों को क्या, हम लोग को आगे मांग है कि जो बाकी लोग हैं उन लोग को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके भेजा जाए, नहीं तो हम लोग आगे और भी कुछ कदम उठाएंगे, आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे, इसलिए कि उन लोग और भी कुछ प्लान बना रहा है, आगे भी कुछ हम लोग के ऊपर हमला कर सकता है।